हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यंगर ए। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल एजुकेशन सोसाइटी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसकी तरफ से वैकेंसी आया हुआ है जो कि आपका एक गवर्नमेंट जॉब है। टोटल 4062 पोस्ट का इसमें वैकेंसी आया हुआ है। सबसे अच्छी बात है कोई भी 12th पास, कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 30,000 के आसपास आपको पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। सिंगल एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। पूरा डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया इसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें सारे वीडियोस के लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। सो इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 जुलाई रात 11:50 तक ही आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप देख सकते हैं जो टीचिंग स्टाफ है और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके लिए वैकेंसी इसमें आई हुई है। प्रिंसिपल के लिए 2,000 रुपए एप्लीकेशन फी है, पीजीटी के लिए 1,500 रुपए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1,000 रुपीज इसमें एप्लीकेशन फी है। जो सिंगल एग्जाम होने वाला है टीचिंग स्टाफ के लिए 180 मिनट का होने वाला है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 150 मिनट का पेपर होने वाला है। बाकी एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड की डेट आपको बाद में पता चल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, SC ST PWD कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं बट आपको एप्लीकेशन फी पे करना होगा सेपरेटली। सो वैकेंसीज देख सकते हैं, प्रिंसिपल के लिए 303 वैकेंसी है, पीजीटी के लिए 2,266, अकाउंटेंट 361, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट 759, लैब अटेंडेंट 373, टोटल 4,062 पोस्ट का इसमें वैकेंसी आया हुआ है। प्रिंसिपल में कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं और पीजीटी में भी आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। पीजीटी थर्ड लैंग्वेज यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसीज, नॉन टीचिंग पोस्ट में आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी। सो सैलरी की अगर मैं बात करूँ, प्रिंसिपल के लिए लेवल 12 की सैलरी होगी, पीजीटी के लिए लेवल 8 की सैलरी, अकाउंटेंट के लिए लेवल 6 की सैलरी, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट लेवल 2 की सैलरी और लैब अटेंडेंट लेवल 1 की सैलरी। तो जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट में आप देख सकते हैं 30,000 से 32,000 रुपीज पर मंथ तक आपको सैलरी मिल जाएगी। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो ऑफलाइन पेपर होगा, OMR बेस्ड पेपर। प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूँ तो 130 मार्क का आपका पेपर होने वाला है ऑब्जेक्टिव, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 20 मार्क का होगा। इसमें इंटरव्यू 40 मार्क का होगा, रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क, इसमें मैथ्स भी रहेगा, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इसमें इंग्लिश हिंदी रहेगा 10-10 मार्क ईच, तो 20 मार्क का होगा टोटल। फिर एकेडमिक्स एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स, डिटेल सिलेबस दिया हुआ है इसके 50 क्वेश्चन 50 मार्क। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, इसके 50 क्वेश्चन 50 मार्क, टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क के लिए होंगे और ये 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। बाकी पीजीटी के लिए आप देख सकते हैं सेम 3 घंटे का पेपर रहेगा और ये पूरा पैटर्न होने वाला है, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। अकाउंटेंट की अगर मैं बात करूँ, 130 मार्क का आपका पेपर होने वाला है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क, मैथ्स के 30 क्वेश्चन 30 मार्क, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर, ठीक है, दोनों मिला के जो है 20 क्वेश्चन आपके हो गए। फिर पार्ट 5 में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट का नॉलेज पूछा जाएगा, अकाउंटेंसी, एनुअल टैक्सेशन, अकाउंट्स, बजटिंग, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स आपको पूछे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की अगर मैं बात करूँ, 130 मार्क का पेपर होगा, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क, मैथ्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 30 मार्क, फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 15-15 क्वेश्चन, मतलब 30 मार्क का पेपर होगा, कंप्यूटर नॉलेज के जो है 30 क्वेश्चन 30 मार्क पूछे जाएंगे, टोटल 130 क्वेश्चन 130 मार्क आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, ये भी आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा। इसमें स्टेज 2 में टाइप राइटिंग टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसके की 50 मार्क होंगे, आपको 20 मार्क पासिंग मार्क लाना है, ये क्वालिफाइंग नेचर में रहेगा, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, मेन आपका सिलेक्शन स्टेज 1 के बेस पे होगा। लैब अटेंडेंट का पूरा पैटर्न देख सकते हैं, 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, इसमें निगेटिव मार्किंग है 0.25 की, OMR सीट पे आपका पेपर होने वाला है। बाकी डिटेल सिलेबस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिटेल सिलेबस इसमें दिया हुआ है, आप पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूँ तो 50 साल से ज्यादा एज आपका नहीं होना चाहिए, इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, बीएड डिग्री होना चाहिए, 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी की अगर मैं बात करूँ तो 40 साल से एज आपका ज्यादा होना नहीं चाहिए, बाकी रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसी के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से, और ये जो मास्टर डिग्री है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ये इनमें से किसी सब्जेक्ट में अगर आपका है तो अप्लाई कर सकते हैं। आप डिटेल में पढ़ सकते हैं इसका पूरा का पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न, साथ ही साथ बीएड डिग्री होना तो आप अप्लाई कर पाएंगे। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं MSc कंप्यूटर साइंस IT में होना या MCA होना अप्लाई कर सकते हैं, ME या MTech होना कंप्यूटर साइंस या IT में अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल SC ST पास साल OBC 3 साल तक मिल जाएगा। अकाउंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो कॉमर्स आपने किया हुआ होना चाहिए, अप्लाई कर सकते,
सकते हैं, मतलब बीकॉम आपने किया हुआ होना चाहिए, डिग्री 30 साल से एज लिमिट ज्यादा नहीं होना, बाकी रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जूनियर सेक्रेटरियट असिस्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो 12th पास होना, ठीक है। टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट होना इंग्लिश में या 30 वर्ड पर मिनट होना हिंदी में अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए एज, बाकी रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। SST पास साल ओबीसी 3 साल। लैब अटेंडेंट की अगर मैं बात करूँ तो 30 साल से ज्यादा एज नहीं होना चाहिए। 10th पास होना और आपके पास लेबोरेटरी टेक्निक का सर्टिफिकेट होना, या तो अगर आप 12th साइंस हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 12th साइंस आपने किया हुआ है, लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, SST पास साल ओबीसी 3 साल तक मिल जाएगा। सो एग्जामिनेशन सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो हर एक स्टेट में एक ही सेंटर है, ठीक है, हर एक स्टेट में एक ही सेंटर है, आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में एक ही सेंटर है मुंबई, ओके। बाकी हर स्टेट में जहाँ तक मैंने देखा है, हर स्टेट में आप देख सकते हैं एक ही सेंटर दिया हुआ है इस एग्जाम के लिए। तो आप उस हिसाब से जो है अपने नियर बाय सेंटर को चूज कर सकते हैं, आपका एग्जामिनेशन वही होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो नॉन टीचिंग के लिए, अगर आप टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है, फिर यहाँ से लॉगिन करने के बाद, साइन इन करने के बाद जो भी डिटेल यहाँ पे मांगता है आपको फिलअप कर देना है, आपका फॉर्म सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। विद इन फ्यू डेज आपको एग्जामिनेशन डेट और आपका टाइम शेड्यूल आपको पता चल जाएगा। प्रिंसिपल पोस्ट को छोड़ के और किसी में आई थिंक इंटरव्यू नहीं है, पूरा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा एक बार। आई होप आपको सारी चीज समझ में ही होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक करना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए आपका ध्यान रखना, गुड बाय।